तो आ गए, आपका स्वागत है एक ब्रांड न्यू गेम प्ले वीडियो में। और गाइस आज के इस गेम प्ले में दोबारा से खेलने जा रहे हैं वेस्टलैंड सर्वाइवल। और गाइस आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं यहाँ पे क्यों खड़ा हूँ, तो गाइस मेरे को एक मस्त प्लेस सा मिला था, तो गाइस मैं सोचा कि चलो यहीं पे बैठ के थोड़ी सी कमेंट्री हो जाए। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा खाना पीना खा लेते हैं। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूँ, अब आपको वीडियो रेगुलर देखने के लिए मिलने वाली है। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नहीं हो अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे। तो गाइस ये सब चीज़ें तो होती रहेंगे, अब गाइस मैं आपको बताता हूँ आज की वीडियो में होने क्या वाला है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो जो मैप है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो चुका है, एंड गाइस हमारे एक सैरी टाउन के अंदर एक नई चीज़ आई है, मतलब एक नया ट्रेडर आया है जिसका नाम है गोल्डन कार मैक, मतलब कुछ ऐसे ही टाइप का इसका नाम है। लेकिन गाइस वो पता नहीं क्या करता है, मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन गाइस उससे पहले उसके पास हमें जाना होगा। तो गाइस मैं यहाँ पे फटाफट से भागता भागता जा रहा था, एंड गाइस मैंने हाथ में अपनी पिस्टल भी ले ली थी क्योंकि जो उसके गार्ड हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो गाइस उसके पास जाने से पहले मैंने सारी की सारी तैयारी कर ली है, एंड गाइस मैंने अपने पास कुछ बैंडेज वगैरह भी रख लिए हैं। लेकिन गाइस वो हमें मारने वाला नहीं है। और गाइस ये रहा गोल्डन कारमैक, और गाइस ये गोल्ड इंगट को मतलब कह सकते हो ट्रेडर है ये, तो इसलिए गोल्ड ट्रेड करता है। तो इसका यूज़ क्या है गाइस मैं आपको बता दूँ, जिसके यहाँ पर हमारा कॉइन है उसका भी यूज़ होता है, लेकिन सेम बिल्कुल इससे थोड़ा सा डिफरेंट इस गोल्ड का भी यूज़ है। तो गाइस फट से यहाँ पे मैं अपने टाउन पे आ चुका था, एंड गाइस यहाँ से मैंने अपनी गन उठानी थी। और गाइस इस गन का नाम है हैरी 44, मतलब हैरी करके मेरे ख्याल से यही इसका नाम है, हैरी 44। एंड गाइस मैं इसको लेके इसके पास आ चुका हूँ, एंड गाइस फटाफट से मैं भी क्राफ्ट करता हूँ। और गाइस मैंने हैरी 44 गन इसलिए उठाई थी क्योंकि इसके जो गार्ड थे उसके पास भी सेम गन थी। तो गाइस मैंने इससे पूछा क्या मेरे को यहाँ पर नौकरी मिलेगी, तो गाइस इसने मना कर दिया, तो काफ़ी दुखद यात्रा रही। तो गाइस फटाफट से मैं बताता हूँ कि इस गोल्ड इंगट का यूज़ क्या है। लेकिन गाइस उससे पहले हमें फटाफट से ट्रेडर के पास जाना पड़ेगा, जो कि हमारे पास डेली आता है नई नई चीज़ें लेके, एंड नई नई मुसीबतें लेके, मतलब उससे मैं ट्रेड करता ही नहीं गाइस। वो एक तो इतनी महंगी चीज़ देता है एंड काफ़ी ज़्यादा बेकार होती हैं, मतलब एक बार यूज़ करने मतलब चीज़ें अच्छी होती हैं, लेकिन गाइस जो उसका रेट होता है काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो हम इसे एक्सचेंज कर सकते हैं 9 गोल्ड इंगट से। एंड गाइस जो ये चीज़ें होती हैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा पावर वगैरह के साथ रहेंगी। एंड गाइस अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको जो हीलिंग की चीज़ें हैं वो फटाफट से कैसे क्राफ्ट कर सकते हो। लेकिन गाइस इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब ये डेली नहीं आता, मतलब सूट आउट एरिया, तो यहाँ पे मैं मतलब आपको जो हेल्थ वगैरह है ना काफ़ी ज़्यादा मिलने वाली है। तो यहाँ पे जितने भी पड़े रहेंगे, मतलब मरे बुझे आदमी, मतलब यहाँ पे इनको मार के लूट लिया जाता है। एंड गाइस थोड़ा बहुत जो चीज़ें छोड़ दी जाती हैं उनको हम लूटने वाले हैं, मतलब छोड़ा हुआ मतलब काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा अजीब लगेगा। लेकिन गाइस यहाँ पे फटाफट से जितने भी चीज़ें हैं यहाँ पे सबको मैं यहाँ पे लूटता हूँ। और गाइस यहाँ पे स्नाइपरिस्ट आ चुका था जिसको मैंने ढेर कर दिया, एंड गाइस ये कुछ एक्शन के साथ गिर रहा है, शायद पहले ऐसा नहीं था लेकिन अब आ चुका है। और गाइस यहाँ पे मेरे को वैगम मिल चुका था, एंड मेरे को उम्मीद थी कि वैगम के अंदर से मेरे को वैगम आइटम ही मिलेगा, लेकिन ये वैगम आइटम तो मिला नहीं। तो गाइस हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन गाइस यहाँ पे मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिल रही थी, तो यहाँ पर मैं सारी की सारी लूट रहा था। एंड गाइस यहाँ पर मैं ढूंढ रहा था कि कुछ मिस तो नहीं हो गया। और गाइस इस गैंगस्टर को देखो, मतलब चाकू लेके हमको मारने के लिए आया था, लेकिन गाइस इसने हेल्थ थोड़ी सी कम कर दी और मैंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्थ भी लेके आ चुका था। एंड गाइस यहाँ पे जितने भी आपको अगर हॉर्स के जितने भी आपको सैडल वगैरह, एंड कह सकते हो सैडल हॉर्स नेडल, मतलब जो भी चीज़ें हॉर्स के पार्ट्स वगैरह होते हैं ना आप सबके सब रख लो। एंड गाइस यहाँ पर जो देख सकते हो ये आयरन क्रशर है, इसकी जो स्पीड है थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है, अभी मैंने वीडियो फास्ट कर रखी है इसलिए थोड़ी और ज़्यादा होगी। लेकिन गाइस अब वीडियो को मैं आपको स्लो करके दिखाता हूँ। और गाइस ने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्थ डाउन कर दी थी, तो मैंने फटाफट से गया मतलब वापस से मैप में गया एंड हेल्थ यूज किया एंड वापस से आ गया हूँ। और गाइस यहाँ पे देखते हो आयरन क्रशर आ चुका है, एंड गाइस इसकी स्पीड देखो, मतलब पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब अब मेरे को काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस इससे बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा दूर भागना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने इसे मार दिया, एंड गाइस अब मेरे साथ जो सीन होने वाला है ना उसको देखने के बाद आपके जो दिल के धड़कन हैं और ज़्यादा तेज़ होने वाली है। तो गाइस अफर्ट से यहाँ पे मैं सोच रहा था कि यहाँ पे ट्री को मैं काट दूँ एंड जितने भी रीचेक कर लूँ जितने भी यहाँ पे चीज़ें बची हुई है। एंड गाइस इतने में ये स्नाइपरिस्ट आता है एंड मेरे को पूरा का पूरा डाउन करने की कोशिश कर देता है। लेकिन गाइस जैसे ये स्नाइपरिस्ट आता है उसके ठीक बाद एक गैंगस्टर भी आ जाता है जो कि मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्थ डाउन कर देता है। एंड गाइस इसको मारने के बाद जो चीज़ होती है ना वो आप खुद ही देखो, मतलब मैं बता नहीं सकता क्या होता है। एंड गाइस यहाँ पे मेरे को एक नई चीज़ मिलती है, मतलब एक नई प्रकार का स्टोन मिलता है, तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। और गाइस इतने ही खुशी में कोई ना कोई तो आ नहीं था, और गाइस यहाँ पे आ चुकता है विंडिगो। और गाइस ये इतनी ज़्यादा हेल्थ मेरी डाउन कर देता है, और गाइस मैं इसे इतना ज़्यादा मतलब मारता हूँ लेकिन गाइस कुछ होता नहीं। और गाइस इसे बचने का एक ही तरीका है जो कि मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस अगर आप चैनल पर नहीं हो अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।